हमारी ऑल टीम आउट थी, क्या इंडिया को हराने का ख्वाब कभी पाकिस्तान का पूरा हो पाएगा? So was this disappointing? I think hats off to Hindustan bhai. Hindustan you played well and you deserve all the credit. Aur hame shabash deni chahiye aapko kyunki aap jeete. Hari shakti sab pe bhari ye suna karte the. Lekin jis tarah se aaj Asia Cup ke andar bharti women ki jo performance rahi hai, outstanding performance rahi. Mujhe samajh nahi aa rahi Pakistan ki women itna acha kar rahi thi. Smriti uska number kya hai 18. वहाँ पे देख लो विराट कोहली नजर आ रहा है स्मृति के अंदर, शिफाली वर्मा के अंदर रोहित शर्मा, यही दो लेजेंड जो है पाकिस्तान को मेंस में भी भारी पड़ते हैं और यही आज लड़कियां जो है वुमेन में भारी पड़ रही हैं। एक सौ आठ पे पाकिस्तान की वुमेन टीम का डब्बा गोल हो गया। ये हमारी लड़कियां क्रिकेट खेलती है, पत्थर के जमाने की क्रिकेट खेलती है, पता इनको है नहीं इंडियन लड़कियां ऐसे लग रहा है कोई चैंपियन खेल रहा है। इधर हमारी बेचारी है, इनके टांगे कांप रही है, समझ नहीं आ रही क्रिकेट खेलने गई है या मजाक करने गई। इधर की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं कई हजार दर्जे बेहतर है। एक बार फिर से दिल के अरमां आंसू में बह गए। एशिया कप में इंडियन वुमेन टीम ने पाकिस्तानी वुमेन टीम को पिछाड़ के रख दिया। जैसे कि इंडियन वुमेन ने मैच जीता, सो हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, उन्हें कंग्रेचुलेट मैं करती हूँ और ये बहुत खुशी की बात है। अभी ये तीन महीना पहले भी कह रहे थे मैं विमेंस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का नोटिस लूंगा, उसके बाद ये कह रहे थे मैं खवातीन की जो है वो PSL करवाऊंगा। अरे कौन सी PSL है जो ये करवाना चाह रहे हैं और ये कहाँ करवाएंगे, किस मैदान में करवाएंगे, इनके लिए कौन सा ग्राउंड बना के दूं यार? मतलब यार ये क्या आटा आटा वाटा गूंधे ना ये यार, क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार इनका। लीजेंड्स हार गए, नौजवान हार गए, वुमेन्स हार गई, अब मेरा ख्याल है इंडियन खुसरो और पाकिस्तान खुसरो की टीम बची है, उनमें से किसी को हार करवा लें, ठीक है वो भी हार जाए ताकि हमारा रिकॉर्ड पक्का हो जाए, क्रिकेट को करो बंद ठप, उसकी जगह गुल्ली डंडे दो। पाकिस्तान की वुमेन्स को देखते हो जो पिछले दो साल से कोई सीरीज जीती नहीं है, ये क्रिकेट किस वजह से खेल रही है? हमें क्रिकेट के मैच में शामिल करें और उनसे अच्छा नाम खेल के दिखाएं ना तो फिर हमें बताना बस। इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान की लड़कियां भारत की लड़कियों से हारी है कि वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा पाएगी। वैसे मुंह तो वो वैसे भी नहीं दिखा पाती है क्योंकि हर हमेशा तो हिजाब में रहती है और यहाँ पे हिजाब उतार के आ गई क्रिकेट खेलने के लिए कि हम भारतीय वुमेन को हरा देंगे। मतलब इनके मर्द तो कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, वो तो कभी इंडिया से जीत नहीं पाया है जिंदगी में, ये हिजाब उतार के ये शेरनिया मैदान में आई है कि आज तो मैं इंडिया की लड़कियों को हरा ही दूंगी। लेकिन इतनी बुरी तरीके से रोती हुई गई है, देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। इंडियन वुमेन ने तो पाकिस्तानी वुमेन को उनकी औकात दिखा दी है यार, इतनी बुरी शिकस्त पड़ी है यार, क्या कर क्या रही है ये लोग यार। देखो आज एक बात तो कंफर्म हो गई है कि हम अगले 100 साल भी टीम इंडिया से नहीं जीत सके, चाहे हमारी वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो या लेजेंड्स भी हो ना, हम लोग इंडिया से नहीं जीत सकते। हमारा इंडिया से इज्जत बचाने का एंड पे एक ही तरीका बचता है कि इंडिया के साथ क्रिकेट खत्म कर दो। शायद आपकी थोड़ी सी इज्जत बच जाए, शायद हमारी पाकिस्तानी टीम की, शायद पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बच जाए यार। एक स्मृति पूरी टीम पे भारी पड़ गई, एक शिफाली वर्मा पूरी टीम पे भारी पड़ गई, एक आउट नहीं कर सके हमारी, क्या बॉलिंग है हमारे पास, क्या बैटिंग है, एक ओवर में आप तीन तीन आउट हो रहे हो। दीप्ति शर्मा आपकी पूरी टीम खा गई है, ठीक है, शिफाली वर्मा आपकी पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप खा गई, स्मृति उसका नंबर क्या है 18। वहां पे देख लो विराट कोहली नजर आ रहा है स्मृति के अंदर, शिफाली वर्मा के अंदर रोहित शर्मा, यही दो लेजेंड जो है पाकिस्तान को मेंस में भी भारी पड़ते हैं और यही आज लड़कियां जो है वुमेन में भारी पड़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया, हम तो ना मेन जीत रहे हैं ना वुमेन जीत रही है, करना क्या चाह रहे हैं लोग, क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट इन फ्यूचर खत्म हुई तो उसका एक रीजन होगा इंडिया, इंडिया के साथ मैच, इंडिया के साथ रीजन क्या होगा कि यार इंडिया से कभी हम लोग जीत ही नहीं पाते। आप रिसेंटली देख लो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हारे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में हम हारे, उसके बाद हमारे लेजेंड्स फाइनल हारे इंडिया से, अब इंडिया की लड़कियां भी जो है पाकिस्तानी लड़कियों से जीत गई, मतलब क्या करें, अब इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करें। एक एक रुपया जोड़कर हमारा टैक्स लिया जाता है हमसे, ये क्रिकेटर्स पे लगाया जाता है, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म कर दी गई है सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। हमारे लड़के कुछ नहीं कर रहे, हमारी लड़कियां गंद कर रही हैं, हमारे लेजेंड्स भी गंद कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाए अब। हम हमारे अंदर भी दिल है यार, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम कभी एक दफा जीते। वो दिन कब आएगा, हम तो वेट करते हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन हो, अगले अगले 100 साल तक ही आएगा। मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच नहीं बनता। 108 पे पाकिस्तान की वुमेन टीम का डब्बा गोल हो गया, ये हमारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, स्टोन इट, वो गोल टोपा लगा के मोहम्मद वसीम टीवी पे बा करता था और यहाँ पे रियलिटी चेक आया, पत्थर के जमाने की क्रिकेट खेलती हैं, पता इनको है नहीं वालिया रियाज, जब से वो वकार यूनस का जो भाई कमेंटेटर है अली यूनस साहब, जब से मौसूफा की उनके साथ शादी हुई है, बस लगे रहे 108 में चार बॉलें अभी रहती थी और पाकिस्तान की टीम का डब्बा गोल। दे आर नो मैच टू इंडियन वुमेन टीम। हरमनप्रीत कौर क्या कप्तानी की है,
ऊपर से रेणुका ने एक ही ओवर में दो बॉलों में दो विकेट, नीचे तीन विकेट ले गई दीप्ति, एक ही ओवर में दो दो तीन तीन विकेट गिर रही है, ये क्रिकेट खेल रही है। टेस्ट मैच क्रिकेट, वो आलिया टेस्ट मैच, मुनीबा टेस्ट मैच, अपना सिद्धरा टेस्ट मैच, लग रहा था आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। दे डोंट हैव एनी गेम अवेयरनेस, जीरो गेम अवेयरनेस। इंडियन लड़कियां ऐसे लग रहा है कोई चैंपियन खेल रहा है, इधर हमारी बेचारी है इनके टांगे कांप रही है, समझ नहीं आ रही क्रिकेट खेलने गई है या मजाक करने गई है। लेकिन जब इंडिया सामने आती है, इंडिया कितनी शानदार परफॉर्मेंस रहती है, वर्ल्ड कप की बात करें, लेजेंड चैंपियनशिप की बात कर लें, अभी ये जो आईसीसी का जो है एशिया कप की बात करें, भाई ना औरतें कम है ना मर्द कम है, इस तरह खेल रहे हैं जैसे कि जान की बाजी लगा रहे हैं। ना मैंने जो ऑल ओवर अगर हम एनालिसिस करें ना, उसमें ये चीज नजर आती है कि बीसीसीआई को उठा के देख लें, आपको एक सिंगल वहां का मेरा ख्याल है पीएनबी होगा ना तो वो क्रिकेट को ए टू जी समझता होगा, ठीक है। बड़े बड़े नाम तो बड़ी देर के आते हैं कि मैनेजर हैं, सेलेक्टर हैं, सदर हैं, फलां हैं, डी हैं, डीन हैं, सब साइड पे करते हैं, यानी कि उनका पीएनबी उन्होंने वो हायर किया हुआ है जो क्रिकेट को ए टू जी समझता हो। मुझे आप पीसीबी में वो लोग दिखाएं कि जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं और उनका एक लेवल है, कोई एक बंदा दिखा दे। हम क्रिकेट खेलते हैं मामे चाचे तायों की, तू मेरी बुबी दी है आ जा तू पीसीबी चला जा, तू मेरे ताए दी बच्चा है तू आ जा तू खेल ला, तू मेरे धी का पुत्र है तू आके खेल ला, ठीक है। इन पाकिस्तानियों की हरकत देख के आपको नहीं लगता है कि इनको अपने देश की तरफ ध्यान देना चाहिए? इनके देश में इतनी भूखमरी है, लोग रोटी के लिए तरसते हैं, आटा इतना महंगा है, सब कुछ महंगा है, और ये मतलब इंडिया से भिरने के लिए चले आते हैं। उनका बुड्ढा टीम भिरने के लिए आया था, वो भी फाइनल में मुंह काला करवा के गया, मतलब वो सोच के आते हैं कि आज तो भारत को हरा देंगे, और जैसे गलती से अगर कभी वो जीत जाते हैं तो आज इस्लाम की जीत हुई है, आज काफिरों पे इस्लाम भारी पड़ा है और आज हमारा इस्लाम जीता है। इतने बेशरम लोग हैं कि इतने बार हारने के बाद भी मुंह उठा के आ जाते हैं इंडिया के सामने। उसको पता है कि इंडिया के सामने जाएंगे और मुंह काला करवा के अपनी ही बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी मतलब जज्बा है ना इनके पास, वो जज्बा लेके आ जाते हैं कि आज तो इंडिया को हरा ही देंगे। और दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी को लेके इतना बवाल मचा रखा है कि इंडिया आएगा खेलने के लिए और उसको लाहौर में हमारी टीम हराएगी, कराची में हराएगी और भारतीय टीम यहाँ से रोता हुआ जाएगा। अबे क्या बोलें इसको, हमारी लड़कियों के टीम से तो तुम्हारी लड़की की टीम जीत नहीं पाई और तुम मतलब ऐसे बात करते हो, विराट कोहली को हराएंगे, रोहित शर्मा को हराएंगे, मतलब खाने की औकात नहीं है इनके पास, आटा रोटी के लिए तरसते हैं और बात बरी बरी हांकते हैं। बाकी आपकी इन पर क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से इंडियन वुमेन ने पाकिस्तानी वुमेन को हराया है, 108 रन पे ऑल टीम आउट हो गई थी पाकिस्तान की, और उसके बाद इंडियन टीम ने आके मतलब मात्र 14 ओवर में मैच खत्म कर लिया। वैसे मैच तो पहले भी खत्म हो जाता लेकिन 2-3 विकेट गिरे, उसके बाद 14 ओवर में मैच खत्म हुआ। मेरे को लग रहा था कि 10 ओवर में ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा।